हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तुरई की रेसिपी। एंड इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो तुरई लिए तो इसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने किस तरह से छीला है। बहुत ही फ्रेश है ये, एकदम कच्ची है, इसलिए मैं इसे मोटा मोटा नहीं छील रही हूँ, बहुत ही हल्का सा मैंने इसे छीला है। और उसके बाद में ये देखिए बड़े बड़े साइज़ में मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि जो तोरी होती है ना, जब हम आलू के साथ में बनाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसीलिए मैं इसके बड़े बड़े पीसेस रखती हूँ। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पीस भी रख सकते हैं। और सेम मैंने आलू भी, मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, उस साइज़ में रखा है। ये मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है, दो प्याज लिए, पाँच से छः हरी मिर्च लिए, दो इंच मैंने अदरक लिया है इसमें, और थोड़ा सा लहसुन लिया है, और दो टमाटर लिए। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और हरी मिर्च की जगह पर इस टाइम पे आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग और तेज़पत्ता। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक भूनेंगे मसाले को, जब तक कि इससे ऑयल अलग नहीं हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू, और इसे भी एक से दो मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे मसाले के साथ में। अब डालेंगे हम इस पर तुरई, जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई थी, पानी में डाल के रखी हुई थी, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे गाइस, तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ी सी काली सी पड़ जाती है। तो मसाले के साथ में तुरई और आलू को हम अच्छे से भून लेंगे एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मिक्सी बाउल में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे थोड़ा सा हिला लेंगे। उसमें जो भी मसाला लगा होगा वो सारा निकल जाएगा, और वही पानी मैं इसमें डाल दी हूँ। उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल दी मैं, क्योंकि तोरी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी खानी है तोरी में, तो आप इसमें आधा से एक ग्लास पानी डाल सकते हैं। अब सब्जी को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे, और जब तक कुक करना है जब तक कि सब्जी गल नहीं जाती है। और बीच बीच में से आप चेक करते रहें, फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो सब्जी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और फ्रेश हरा धनिया, और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए। इसे थोड़ा सॉफ्ट कुक करेंगे और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं सब्जी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म तुरई आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसे बनाया मैंने लोहे की कढ़ाई में, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड तुरई हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है आप सभी को पता है। सो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।